दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GS Academy पर। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में डिटेल से जानना शुरू किया है। तो हमारे तीन और केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं। इसके बाद हमारा इंडियन मैप वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाँच केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, छठवां हमारा है पुदुचेरी। पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, जैसे ब्रिटिश हमारे भारत में कब्जा किए हुए थे और यहाँ पर अपना शासन चला रहे थे, उसी हिसाब से उसी तरह से फ्रांसीसी भी आए थे, लेकिन वो ब्रिटिश से कमज़ोर पड़ रहे थे, इसलिए वो कुछ ही एरिया पे अपना वर्चस्व कायम कर पाए थे, छोटे मोटे एरिया पे, जैसे पुदुचेरी था, यहाँ पर उन्हीं लोग का शासन था। फ्रांसिस मार्टिन ने इस यहाँ का वास्तुकार था पुदुचेरी का। भारत के साथ 1947 में यह आज़ाद नहीं हुआ था, 1954 में आज़ाद हुआ था। फाइनली फ्रांसीसी भारत में कमज़ोर पड़ रहे थे, इसलिए इन्हीं सब एरिया में बचे हुए थे। भारत के चार जगह पर ये रह रहे थे। तो ये चार जगह तीन राज्यों में स्थित हैं भारत के, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु में दो जगह हैं, ये टोटल चार जगह हैं जो मिलकर पुदुचेरी का निर्माण करते हैं। इन चारों को पुदुचेरी का चार जिला कहा जाता है। ये तीन राज्यों में है। आंध्र प्रदेश में जो क्षेत्र इसका है उसको यनम कहते हैं। तमिलनाडु में जो क्षेत्र है, दो क्षेत्र, पुदुचेरी इसी के नाम पे इसका पूरा नाम पड़ा है, और दूसरा है कराईकल, और चौथा जो केरला में है उसका नाम है माहे। ये सबसे छोटा है। यह एकमात्र ऐसा यूटी है भारत का जो भारत के दोनों तटों पर, कोरोमंडल और मालाबार दोनों तटों पर है। केरला में जो माहे है यह मालाबार तट पर है, और बंगाल की खाड़ी वाले साइड में इधर यनम, पुदुचेरी और कराईकल है। अगला हमारा यूटी है अंडमान और निकोबार। ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है। अंडमान में दो ज्वालामुखी हैं, बैरन जो कि सक्रिय है, और दूसरा है नारकोंडम जो कि यह सुसुप्त है, अब नहीं रहा। ब्रिटिश ने यहाँ पर सेलुलर पैलेस बनवाया था। यहाँ पर मलेरिया फैल जाने की वजह से इसे ब्रिटिश लोगों ने सेलुलर जेल में तब्दील कर दिया, और यहाँ पर काला पानी की सजा दी जाती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जापान ने यहाँ पर कब्जा कर लिया अंडमान निकोबार पर, और सुभाष चंद्र बोस को इसको गिफ्ट में दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज रख दिया बदलकर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल, पेड़ वगैरह पाए जाते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा जगह है यहाँ पर ट्राई सर्विस है, यानी कि भारत के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं का यहाँ पर कमांड है। इसका खुद का हाईकोर्ट नहीं है, यह कलकत्ता हाईकोर्ट के अंडर आता है। अब हम लोग अंडमान और निकोबार को कुछ फिजिकल रूप से देखते हैं। यहाँ के लोग मेन जमीन से कटे हुए, इसलिए ज़्यादा डेवलप एरिया नहीं है, कुछ डेवलप है कुछ नहीं है। यहाँ जनजाति बहुत ज़्यादा रहती है। सबसे पुरानी जनजाति यारवा जनजाति भारत की है, यह भारत की भी सबसे पुरानी जनजाति है, और सबसे खतरनाक सेंट्रली जनजाति है यहाँ की। यहाँ अंडमान के कुछ पार्ट्स हैं जो हमें वैसे दिखता बहुत छोटा है, लेकिन इसके चार पार्ट हैं अंडमान और निकोबार के। उत्तर अंडमान जो ऊपर के साइड है, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान, और नीचे सबसे छोटा है लिटिल अंडमान। इसके बाद यहाँ पर है हमारा निकोबार द्वीप समूह। तो उत्तरी अंडमान पर सेंट्रल पीक है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा है, और दक्षिण अंडमान जो कि यहाँ पर है इस पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर है अंडमान की। लिटिल अंडमान ये सबसे छोटा है। इसके ऊपर एक द्वीप है कोको द्वीप, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया था, अब यह म्यांमार का हिस्सा है। अब यहाँ पर देखते हैं निकोबार के भी दो पार्ट हैं, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। निकोबार और अंडमान के बीच 10 डिग्री चैनल है। अगर देखा जाए तो अगर पूछा जाए कि अंडमान में कौन से पार्ट और निकोबार में कौन से पार्ट के बीच है 10 डिग्री चैनल, तो अंडमान का लिटिल अंडमान और निकोबार का कार निकोबार, इन दोनों के बीच में है 10 डिग्री चैनल। चैनल वह होता है जो समुद्र का चौड़ा रास्ता जो होता है उसे चैनल कहते हैं, समुद्र के बीच के चौड़े रास्ते को। अब देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, या घोड़े के नाल के आकार का है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, लगभग 90% लोग मुस्लिम हैं यहाँ पे। यह जगह पाकिस्तान
समझकर इसको भारत में मिला लिया था। यह केरला के हाई कोर्ट के अंडर आता है। यहाँ की भाषा मलयालम है। राजधानी एक द्वीप पर है जो कावरत्ती है इसकी राजधानी। इसके नीचे एक मेनिकाय द्वीप है, यहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं, पक्षी रहते हैं बहुत ज़्यादा। लक्षद्वीप मूंगा एक जलीय जीव होता है। जब इसकी बॉडी मतलब जब इसका डेथ हो जाता है तो उसकी बॉडी का जो अवशेष होता है उससे मिलकर बना है लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अब लक्षद्वीप के नीचे एक देश है मालदीव। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल स्थित है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इंडियन मैप हमारा आज का समाप्त हो जाता है यहीं पे। तो के लिए धन्यवाद।